हॉलीवुड में आम होता है पार्टीज जश्न करना, सेम थिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये एक आम चलन हो चुका है कि छोटी बड़ी सक्सेस को अच्छे से सेलिब्रेट करना, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना या फिर फिल्म के लॉन्चिंग को सेलिब्रेट करना, यानी सेलिब्रेशन का एक भी मौका भोजपुरी इंडस्ट्री भी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेलिब्रेशन अब आम हो चुका है, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं, कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। स्पेशल इसलिए, क्या कभी आपने सोचा है कि इन छोटी छोटी और बड़ी बड़ी पार्टियों में होता क्या है, या फिर खैर होता तो बहुत कुछ है, नाच गाना, सेलिब्रेशन टाइम और गॉसिप टाइम भी यही होता है। लेकिन भोजपुरी पार्टी शबाब कबाब और शराब पे टिकी होती है। भोजपुरी पार्टी से क्यों, ये तो बॉलीवुड का भी दस्तूर है। हर बड़ी पार्टी शबाब कबाब और शराब के बगैर अधूरी होती है। लेकिन आज हम शबाब और कबाब को छोड़ के शराब की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर रिश्ते जो बिगड़ते हैं ये शराब के चक्कर में ही बिगड़ते हैं। भोजपुरी के बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म भी होती है। लेकिन आज हम यहाँ शराब के मामले में भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोज की बात नहीं करेंगे, वो हम अपने अगले एपिसोड यानी कि अगले वीडियोस में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी की उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो कमशिन, नादान और मासूम सी पर्दे पर तो दिखती है, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी वो ऐसी ही है? भोजपुरी की कई हीरोइनें ऐसी हैं जो शराब की बहुत ही ज्यादा शौकीन है। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है आम्रपाली दुबे का। जी हाँ, आम्रपाली की तो हर पार्टी की शुरुआत ही शराब से ही होती है। कई लोग हमारा ये वीडियोस देखकर ये सोच रहे होंगे, क्या भोजपुरी की हीरोइने शराब की शौकीन है भी, या फिर ऐसे ही हम वीडियो उठकर बना दिए हैं? जी नहीं, ये बात 100% सच है। भोजपुरी की टॉप मोस्ट हीरोइने शराब की दीवानी है। तो हम बात कर रहे थे भोजपुरी की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की। जी हाँ, आम्रपाली दुबे शराब की बहुत बड़ी शौकीन है और उनकी हर एक पार्टी में शराब होना अनिवार्य है। वो महंगे ब्रांड की शराब पीती हैं, साथ ही साथ उन्हें पिलाने का भी उतना ही शौक है। अक्षरा सिंह को भी पीने पिलाने का शौक है, लेकिन लिमिट में रहकर। जी हाँ, अक्षरा अपनी लिमिट को शायद बखूबी जानती हैं, क्योंकि वो शुरू से ही फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वो उनके लिए एक आम बात है कि शराब पीना और पिलाना। वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, वहाँ ये एक कॉमन थिंग है। अब बात करते हैं भोजपुरी की हॉटकेक अंजना सिंह की। अंजना सिंह भी इन सब मामलों में इन दोनों हीरोइने से कुछ कम नहीं है। वो भी शराब की शौकीन है और कई पार्टियों में तो उन्हें अपने को स्टार के साथ ड्रिंक करते हुए देखा भी गया है। निशा दुबे, गार्गी पंडित जैसी कई तमाम ऐसी हीरोइने हैं जिन्हें शराब पीने और पिलाने का शौक है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन दिया जाता है। कहा जाता है कि दिन भर की थकान और हैट्रिक शेड्यूल के कारण ये हीरोइने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ड्रिंक करती हैं। और अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड, यहाँ पीना और पिलाना आम बात होती है और इसलिए इसे भले ही आम जनता हैरत की दृष्टि से देखे, लेकिन ये भोजपुरी सिनेमा हो या बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, वहाँ ये चीज बिल्कुल कॉमन है। भोजपुरी जगत के हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।